बिग बॉस लाइव फीड के अंदर यहां पर नेजी, विशाल और लव कटारिया एक दूसरे के साथ बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं, जहां पर नेजी यहां पर शो के फॉर्मेट को लेकर बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बिग बॉस के कई सीन्स, कई एपिसोड्स मैंने देखे हैं, लोग एक्स्ट्रा करने की कोशिश में यहाँ पर हार जाते हैं, दरअसल जीतता वही है जो रियल होता है। तो यहाँ पर दोस्तों विशाल पांडे इस पर अग्री करते हैं और कहते हैं कि सच में यार, रियल पर्सनैलिटी का ही तो शो है, लोग पता नहीं ओवर एक्टिंग क्यों करने लग जाते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों नेजी कहते हैं कि एमसी को मैंने देखा था, वो काफ़ी रियल रहा और देखो बिना कुछ करे शो जीत गया था। तो वहीं दोस्तों विशाल पांडे यहाँ पर एल्विश का जिक्र कर देते हैं कि एल्विश का भी यही था, एल्विश बहुत रियल यहाँ पर रॉ पर्सनैलिटी की तरह रहा, जैसा था वैसा रहा। लव कटारिया भी कहते हैं बिल्कुल भाई, रियल पर्सनैलिटी तो का शो है और रियल लोग हमेशा जीता करते हैं। तो एमसी स्टैन और एल्विश यादव का यहाँ पर कंपैरिजन हो जाता है कि दोनों में से रियल कौन रहा। तो यहाँ पर नेजी कहते हैं कि एमसी स्टैन देखो बिल्कुल शांत था, वहीं एल्विश यादव काफ़ी मस्खरा और मजाकिया अंदाज में था और वही शायद पर्सनैलिटी है और दोनों ही रिकॉर्ड विन यहाँ पर करके गए हैं। देखना होगा कि इस बार रियल कौन रहता है। तो देखना होगा दोस्तों एल्विश और एमसी स्टैन में से आपके हिसाब से ज़्यादा रियल कौन था, कमेंट सेक्शन में बताएं और सब्सक्राइब करें चैनल देखो देखो।